खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते आज की हेडलाइंस। भाजपा प्रत्याशी पहुंचे दंतेश्वरी मंदिर, माता के दर्शन कर लिया जीत का आशीर्वाद। सुदूरवर्ती वनांचल कोरेंग पहुंच संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। रात्रि 12 बजे कलेक्टर पहुंचे सीमा जांच नाका धनपुजी, वाहनों का सघन जांच करने दिए निर्देश। वन विभाग जगदलपुर रेंज द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिस पर की टिकट मिलने वाले प्रत्याशी आज जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किया व चुनावी मैदान में उतारने के लिए आशीर्वाद लिया। मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशियों ने बताया कि वो किसी वादे को लेकर वोट नहीं मांगेंगे, जीतने के बाद जनता की भलाई के लिए जो कार्य किया जाएगा उसे पूरा करने का वादा करेंगे। जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार ने जो 36 वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। हार जीत की बात पर उन्होंने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है और हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस बार हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। और भारतीय जनता पार्टी वैश्विक पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भूपेश बघेल को कहना पड़ रहा है कि ये भरोसे की सरकार है, ये भरोसे की मीटिंग है, ये भरोसे की भेंट मुलाकात है, हर काम में उन्होंने भरोसा डाला है। मतलब ये है कि जनता का विश्वास वो खो चुके हैं, इसके कारण से उनको अपने सारी योजनाओं पर भरोसा डालना पड़ रहा है। तो आपका ये भरोसा आप नहीं चलने वाला है, जनता ने समझ लिया है, पूरे प्रदेश की जनता ने समझ लिया है और छत्तीसगढ़ के इस हमारे अंतिम छोर से माई दंतेश्वरी के पावन धरा से ये परिवर्तन का आगाज प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय चयन समिति के सभी वरिष्ठ नेताओं को, प्रदेश नेतृत्व सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को, चयन समिति के सभी आदरणीय सदस्यों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हृदय से आभारी हूं मैं कि एक बहुत ही मामूली, एक बहुत से छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा कि जगदलपुर विधानसभा में अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। यहाँ की शानदार वजनदार जो जनता है, चाहे वो किसी भी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय के हों, सबका प्यार निरंतर और लंबे वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और आगे भी जिस तरीके से 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार का कुशासन पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, बस्तर उससे अछूता नहीं रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लाभकारी योजनाओं का जिस तरीके से उसको नीचे गाँव गरीब किसान तक पहुँचाने में ये अक्षम रहे हैं या जानबूझ के रोका गया है, उसका सबक जनता सिखाएगी। 36 झूठे वादे करके और सरकार तो आपने बना लिया, लेकिन आज क्या स्थिति है, युवा भटक रहा है। जनता ने यहाँ की, मैंने क्या पहली काम में अभिवादन करता हूँ यहाँ की समग्र जनता का, मतदाताओं का, क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी को दिया है और निश्चित रूप से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास और अपना स्नेह यहाँ की शानदार जनता देने जा रही है। जैसे लोग अभी पूरा, मतलब 10-10 साल के कांग्रेस के विधायक रहने के बाद भी अब उस क्षेत्र में मेरे जैसे छोटा सा गांव का कार्यकर्ता को पार्टी संगठन ने प्रत्याशी बनाया है, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भरोसा जताया है पार्टी संगठन ने। हम उस विधानसभा से आने वाला समय में कि हम वहाँ पे संगठन को एक अच्छे से हम एक वो देना चाहेंगे और वहाँ से हम जीत के आ रहे हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे बस्तर की जनता को? बस्तर की जनता से मैं बस एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि उस क्षेत्र से आने वाले जितने हमारे बस्तर के मतदाता आज भी
उस क्षेत्र के मतदाता समझते हैं कि उनकी 10 साल की कार्यकाल क्या रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल जो यहाँ चित्रकूट विधानसभा में पूर्व के हमारे विधायक थे, यहाँ के पूर्व के हमारे रमन सिंह जी पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उस समय सभी वर्ग के लोगों को जनता तक पहुँचाए, चावल के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री आवास हो, तो ये हर अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। मगर इन्होंने अभी 5 साल के अंदर एक भी विकास कार्य नहीं किया है। उस मुद्दे को लेकर जाएंगे हम लोग अपने विधानसभा में, क्योंकि इन्होंने 36 वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उस विषय को लेकर जाएंगे जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक। मैं और जो कांग्रेस सरकार ने जो विकास के नाम ने घोटाल में कई लाखों करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, आपने देखा होगा कि इसमें जो घोटाल से जो गोबर को उसमें भी घोटाला किया गया है। ये दूसरा घोटाला के सिवा कुछ किया नहीं। इस वादे को किसान तक लेके जाएंगे, जनता तक लेके जाएंगे, साथ साथ जो अपने माता बहन जो स्व सहायता समूह है उन्हों को भी बोला था कि हम लोग कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को 2500 रुपया भत्ता देंगे, मगर आज तक भत्ता नहीं दिया है। इनका 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं आया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उस वादा को लेकर हम जनता तक पहुंचेंगे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग रेखचंद जैन ने अति संवेदनशील सुदूरवर्ती वनांचल कोलिंग कांदानार मुंडागढ़ एवं छिंदगुर पहुंच 6,64,89,000 रुपए के नल जल योजना, बाजार से निर्माण एवं मातागुड़ी का भूमि पूजन कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप हर ग्राम पंचायत के हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल ग्राम कोलिंग कांदानार छिंदगुर एवं मुंडागढ़ में लगभग 6.5 करोड़ के नल जल योजना का भूमि पूजन किया गया, जिससे कि इस वनांचल में भी शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसी तरह आदिम संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ग्राम कांदानार में 2 मातागुड़ी का लोकार्पण किया गया, जो हमारी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मेरे जगदलपुर विधानसभा का बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र जिसे कहा जाता है, कोलेंग, छिंदगुर, मुंडागढ़, कांदानार, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास शून्य था। लोग इतने असुरक्षित महसूस कर रहे थे कि उनका जीवन दुभर था। लोगों ने विश्वास के साथ मुझे विधायक चुना, कांग्रेस की सरकार बनाई। आज आप देख रहे हैं नानगुर से लेके कोलेंग, मुंडागढ़, छिंदगुर, सारी चीज़ें, रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, आंगनबाड़ी बन रहा है, कोलिंग में आश्रम बिल्डिंग बन रही है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई है, एम्बुलेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, और यहाँ की जो देवगुड़ियाँ हैं उसको बढ़िया बनाने का काम हम लोगों ने किया है। और इस क्षेत्र में जल को लेकर जो समस्या थी, उस समस्या के लिए हम लगातार जहां बोरिंग बोले वहां बोरिंग खुदाए, और आज कोलेंग, छिंदगुर, मुंडागढ़, कांदानार, इन पंचायतों के लिए 6,45,00,000 रुपए की राशि हमने नल जल योजना के लिए स्वीकृत कराई है, जिससे गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। कलेक्टर विजय दयाराम के रात्रि 12 बजे बस्तर जिले के सीमावर्ती धनपुजी नाहका पहुंचकर तैनात वाहन जांच दल की कार्रवाई का अवलोकन किया। उन्होंने वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए, साथ ही गुजरने वाली सभी वाहन चालक का नाम, पता, संपर्क नंबर को पंजी में संधारित करने का, कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है इसका भी पूरा विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के साथ पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने अधिकारियों को देवड़ा मंदिर मार्ग का भी औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत जिले की सभी चाक चौबंद की जांच करने के लिए कलेक्टर विजय दयाराम के और SSP जितेंद्र सिंह मीणा रात शहर के सभी प्रमुख जगहों और पहुंच मार्गों पर तैनात दलों का निरीक्षण में निकले थे। वन विभाग जगदलपुर रेंज द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया गया, जिसके साथ स्थानीय लामनी पार्क में बच्चों के लिए वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,
जिसमें शहर से अनेक बच्चों ने भाग लिया और अपने कला कौशल का जौहर दिखाया। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए जगदलपुर रेंज के रेंजर देवेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि इस अवसर पर प्रशिक्षु IFS आशुतोष कुमार ने बच्चों का कला कौशल देखकर बहुत ही प्रशंसित हुए एवं उन्हें प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कार वितरण किया। उन्हें पुराने सदस्य सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर से हमारी सारी गतिविधि चल रही थी। सारे वनमंडल के स्टाफ अपने अपने क्षेत्रों में जो भी निर्देशन प्राप्त हुई थे उसके तहत काम कर रहे थे। और आज उन्हें पुरानी संरक्षण सप्ताह का अंतिम दिन था, जिसमें 26 बच्चे विभिन्न स्कूलों के कॉलेज से आए थे, जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया और अभी कुछ देर में ही उन पर उसका वितरण किया जाएगा। सभी ने अच्छा काम किया है, लेकिन एक नियम है जो पहला दूसरा तीसरा दिया था, लेकिन लगभग सभी अच्छे परफॉर्मेंस दिया था। आने वाले समय में कुछ और आयोजन का इसको हम बड़े रूप करेंगे और सभी जैसे भी किसी अचार से इतना समय आ रहा था, अभी कारखाना बंद रहेगा, लेकिन आने वाले समय में इसमें और दूध का काम करेंगे और उनकी रक्षा उन्हें पढ़ने रक्षा के लिए हम लोग तत्पर हैं और कार्य भी कर रहे हैं। आलोचकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के टिकट वितरण को लेकर कुछ बातें कही है। आलोचकों का कहना है कि भाजपा ने 5 वर्षों के पश्चात भी बस्तर की कुछ ही सीटों पर प्रत्याशी बदलने की हिम्मत दिखाई है। बाकी अन्य सीटों पर खासकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी एवं महेश गागड़ा के विधानसभा क्षेत्र में किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट न देकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। आलोचकों का कहना है कि इन हारे हुए पूर्व मंत्रियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। ये तीनों मंत्रियों ने अपने रसूख के बल पर हमेशा ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका है। भाजपा के जो पूर्व मंत्री जिनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, इन्होंने किसी अन्य कार्यकर्ता को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। भाजपा प्रत्याशियों की टिकट वितरण को लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए जो सूची जारी की है उसे हम तो हताशा की सूची मान रहे हैं और उसका नाम भी हम हताशा की सूची दे रहे हैं। कारण, क्योंकि कुछ दिन पहले यही सूची सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिसको लेकर के प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कपड़े फाड़ते नजर आए थे, सड़कों में प्रदर्शन करते नजर आए थे और राजधानी तक इनके कार्यालय तक पहुंच करके अपना विरोध दर्ज कराया था। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हताशा की सूची जारी की है। यदि आप देखेंगे कि 2018 के चुनाव में जिन्हें पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया था, जिन मंत्रियों को नकार दिया था, जिन विधायकों को नकार दिया था, पुनः उनको टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया। और अमित शाह जो कई दिनों से बस्तर से लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में दौरे लगा रहे थे, नए चेहरे ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता चल गया कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी खात्मे के कगार पर, उन्होंने भी नए चेहरे नहीं ढूंढ पाए, इसलिए मजबूरन वश उन्हें पुराने चेहरों पर ही दांव खेलना पड़ा। यदि आप देखेंगे पूर्व में मंत्री जितने भी हैं उन सभी के ऊपर आरोप लगी है। बावजूद इतने सारे आरोप लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को चुनावी मैदान पर उतारी है, इससे यह भी साबित होता है कि इन नेताओं ने बस्तर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने नहीं दिया। और यह ऐसे चरित्र के लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट दी है, जो कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कांग्रेस के आगे हाथ खड़े कर दिए हैं और फिर से हम 75 बार के साथ कांग्रेस की सरकार बना। पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ था कि हिकमीपारा क्षेत्र में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध शराब बिक्री किया जा रहा है। सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा हिकमीपारा में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई के दौरान उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम सूरज ठाकुर निवासी हिकमीपारा का होना बताया, जिसके कब्जे से अंग्रेजी शराब 19.440 लीटर कीमत 14,040 रुपए बनावट कर जब्त किया गया। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में 9 अक्टूबर 2023 को बोधघाट पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिला कि हाट कचोरा त्रिपाठी गैरेज के पास में एक व्यक्ति आसपास के अन्य व्यक्तियों को लोहे के चाकू को दिखाकर डरा धमका रहा है। सूचना मिले पर तत्काल बोधघाट पुलिस द्वारा
आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी पिता मोहम्मद तुफैल अंसारी को घेराबंदी कर पकड़कर उपरोक्त आरोपी के कब्जे से गवाहों के समक्ष एक लोहे का धारदार हथियार को जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध थाना बोधघाट में 2527 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड में माननीय न्यायालय भेजा गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।